देश में जब सेना पुलिस वाले को जब गुम्मा मारा जाता है, लाठी मारा जाता है और दुकानें जलाई जाती है, स्कूटी जलाई जाती है, ट्रेनें जलाई जाती है, तोड़े जाते हैं, जेल फूक चौकी फूके जाते हैं, तब तो आप नहीं बोलती हो और आप जो है एक वर्ग विशेष को आप तो मुझको ये लगता है कि आप मुसलमानों को भी एक देशद्रोही बनाना चाहती हो और मुसलमानों को भी आतंकवादी बनाना चाहते हो। ये दुर्भाग्य है। आप मुख्यमंत्री को बार बार आप छेड़ते हो। आप क्या चाहते हो कि मुख्यमंत्री जी सोनिया गांधी का दुपट्टा पहन लें? भगवाना पहने तो सोनिया गांधी जी की दुपट्टा पहन लें माननीय योगी आदित्यनाथ जी, भगवा नहीं पहने तो? बार बार आप भगवा को कमेंट करते हो, भगवा के बारे में विचारधारा उल्टा सीधा बोलती हो, अच्छी बात नहीं है। आप सुधर जाओ, नहीं तो जिस प्रकार पूरे देश से आपको खत्म कर दिया है भगवाधारियों ने, कहीं आपको खाता खुलना भी दुश्वार ना हो जाए। पहली बात तो मैं प्रियंका गांधी जी से सवाल करना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी ने कहा कि सीए और एनआरसी लागू कांग्रेस शासित राज्यों में लागू नहीं होगा और जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं, जो मुसलमान वर्ग के लोग पकड़े जा रहे हैं, बिना संपत्ति की जांच के कुर्की नहीं होना चाहिए। कैसा जांच आप चाह रहे हो? आप देख रहे हो ना वीडियो फुटेज, जिन जिन लोगों ने भीड़ को उकसाया, जिन जिन लोगों ने पुलिस वालों को मारा, जिस जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान किया, जलाया, राष्ट्र विरोधी नारे लगाए, देश विरोधी नारे लगाए, कोई जांच नहीं, फुटेज देखकर उनके खिलाफ कार्रवाई योगी जी कर रहे हैं। मैं योगी जी को धन्यवाद देता हूं। और आप आतंकवादियों का सपोर्ट करना बंद कर दो, मुसलमानों को आप आतंकवादी बना रही हो इसलिए। और रही सीए की बात, तो सीए ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जैसे पढ़े लिखे लोग मुसलमानों को बरगला रहे हो, क्या क्या दिक्कत है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ऐसे लोगों अगर पीड़ित है वहां पर, धार्मिक आधार पर उनको पीड़ा झेलनी पड़ती है, उनको जो यातनाएं झेलनी पड़ती है, वो भारत की नागरिकता चाह रहे हैं, भारत में नागरिकता उनको दी जाएगी। रही मुसलमानों की बात, हिंदुस्तान से कौन मुसलमान को खदेड़ रहा है? कभी कोई नहीं खदेड़ रहा है। एक तो आपके जो है पूर्वजों ने धर्म के आधार पर देश की बंटवारा करके देश को विखंडन किया, उसके बाद आप देश को बंटवारा कराने के बाद भी आप नहीं मान रही हो, मुसलमानों को आतंकवादी बनाने पे तुले हुए हो और मुसलमानों को बार बार आप उकसा कर और कुछ न कुछ कराती रहती हो कि मुसलमान आतंकवादी सिद्ध हो जाए। और आप ये रोटी सेको, राजनीतिक रोटी सेको, जिस प्रकार आपके पूर्वज लगातार राजनीतिक रोटी सेकते चले आ रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। मुसलमानों समझ जाओ, ये प्रियंका गांधी तुमको आतंकवादी बनाने पे तुली हुई है।